नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव का हुआ समापन, भक्ति से सराबोर नजर आई मायानगरी मुंबई। गिरगांव चौपाटी में लालबाग के राजा और दगड़ू शेठ समेत कई बड़ी गणपति मूर्तियों का हुआ विसर्जन। अगले बरस जल्दी आने के वादे और जयकारों के साथ विदा हुए बप्पा। गणेश विसर्जन के दौरान मुंबई के गिरगांव चौपाटी में चलाया गया सफाई अभियान, जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों समेत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी हुई शामिल। सफाई अभियान के दौरान बीएमसी कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। गणेश विसर्जन के दौरान भी कट्टरपंथियों ने नापाक हरकत को दिया अंजाम। थाने जिले के भिवंडी में विसर्जन के दौरान मूर्तियों पर किया गया पथराव, जिसके चलते खंडित हुई मूर्तियां। घटना के बाद गणेश भक्तों ने किया हंगामा और इलाके में बन गई थी तनाव जैसी स्थिति। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बवाल और लाठीचार्ज के दौरान पुलिस कर्मियों समेत कई लोग हुए घायल। मामला दर्ज कर जाँच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के अंतर्गत आने वाले जलगांव के जामोद में भी गणेश विसर्जन के दौरान हुआ जबरदस्त बवाल। जानकारी के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने विसर्जन जुलूस पर किया जबरदस्त पथराव, जिसमें से कई युवक हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। जानकारी के मुताबिक जुलूस पर आधे घंटे तक होता रहा पथराव। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से की राजनीति में शामिल होने की अपील। कहा, जिस तरह आप जुहू का कचरा साफ करती हैं, उसी तरह महाराष्ट्र की सियासत में फैली गंदगी को साफ करने के लिए आना चाहिए आगे। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक नवाब मलिक के दामाद की गाड़ी हुई भीषण सड़क हादसे का शिकार। कुरला इलाके में हुए सड़क हादसे में दामाद समीर खान गंभीर रूप से हुए घायल। बताया जा रहा है कि समीर के सिर पर आई है गहरी चोट। इस हादसे में नवाब मलिक की बेटी के भी घायल होने की है खबर। महाराष्ट्र के धुले जिले में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। दरअसल विसर्जन के दौरान नाच रहे लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर। हादसे में 3 बच्चों की हुई मौत, 5 लोगों के घायल होने की खबर। ट्रैक्टर और ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि आरक्षण विरोधी है राहुल गांधी। रामदास अठावले ने कहा कि वे देश में जाकर करते हैं भारत की बदनामी, इसलिए रद्द होनी चाहिए राहुल गांधी का पासपोर्ट। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर अजीत पवार का आया बड़ा बयान। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनका नेता बने सीएम, लेकिन ऐसा संभव नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना है जरूरी, और किसे वोट देना है ये जनता करेगी तय। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई बहस। दरअसल डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। डीजे बजाने से रोकने पर भड़क उठे थे मंडल के कार्यकर्ता। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका। दरअसल पार्टी के उप जिला प्रमुख शंकर वीरकर ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए वीरकर। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में शिंदे गुट को लगा झटका। शहर प्रमुख आनंद चौधरी और राजेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राजस्थान में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप। मामूली विवाद के बाद आपस में भिड़े बंजारा और गुर्जर समाज के लोग। लाठी डंडों से हुई मारपीट में 13 लोग हुए घायल। गुस्साई भीड़ ने दो गाड़ियों को किया आग के हवाले। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। कहा, अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। मिशिगन में कैंपेन के दौरान भारत के साथ अमेरिकी व्यापार के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात का किया ऐलान। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कहां होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। चीफ जस्टिस के घर जाकर गणपति पूजा करने पर विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा में विपक्ष पर पलटवार करते हुए दिया करारा जवाब। कहा, मेरे गणेश पूजा में शामिल होने पर कांग्रेस और विपक्षियों को है दिक्कत। पीएम ने कहा, समाज को बांटने वाली और नफरत भरी सोच से जहर घोलने की है इनकी मानसिकता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले रंगों को लेकर शुरू हुई सियासत। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे गुलाबी रंग में रंगने की नहीं है जरूरत। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार पर तंज के रूप में देखा जा रहा है सीएम का बयान। लाडली बहन योजना के बाद अजीत पवार की पार्टी एनसीपी कर रही है गुलाबी रंग का इस्तेमाल। सीएम के बयान से महायुति में घमासान मचने का आसार।
उत्तर प्रदेश के आगरा से आया हैरान कर देने वाला मामला, जहां एक युवती ने शादी के 40 दिन बाद ही पति से मांग लिया तलाक। दरअसल उसका आरोप है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहाता है उसका पति और बाकी दिन गंगा जल छिड़क कर करता है पूजा पाठ। पति की इस आदत से नाराज होकर पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत और मांगा तलाक। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी होंगी नई सीएम। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं आतिशी। एलजी से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का किया दावा। आपकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बड़ा हमला, कहा एक ऐसी महिला बनने जा रही है दिल्ली की सीएम जिसके परिवार ने की थी अफजल गुरु को बचाने की साजिश। वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस को लेकर शिवसेना विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा अगर कोई कांग्रेसी कुत्ता मेरे घर पर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे वही कर दूंगा दफन। दो दिन पहले बुलढाणा में शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देने का किया था ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार की रात हुआ दर्दनाक हादसा, सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन। हादसे में 3 जवान गंभीर रूप से हुए घायल, जबकि इलाज के दौरान 1 जवान की हुई मौत। लांस नायक बलजीत सिंह के रूप में हुई शहीद जवान की पहचान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज हुआ मतदान, राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग जैसे संवेदनशील इलाके में भी हुई वोटिंग। 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए घाटी की आवाम ने घरों से निकलकर किया मतदान। मुंबई से सटे थाने जिले के बदलापुर से दिल को दहला देने वाला मामला आया सामने। दरअसल यहां एक शख्स ने शादी का झांसा देकर 21 साल की युवती से अलग अलग लॉन्जों में जाकर कई बार किया दुष्कर्म। प्रेग्नेंट होने के बाद जबरन कराया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज। पंजाब के नामी सिंगर आर नैत को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। सूत्रों के मुताबिक विदेशी नंबर से आया था फोन कॉल, अज्ञात कॉलर ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती, नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। म्यांमार में जारी है बारिश और तूफान का कहर, तूफान यागी और मानसून की बारिश के कारण अब तक 220 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। दक्षिण पूर्वी एशिया के भी कई देशों में तूफान मचा चुका है तबाही, अलग अलग देशों में 500 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। लेबनान में हिजबुल्ला संगठन को लगा तगड़ा झटका, दरअसल एक के बाद एक फटे जेब में रखे पेजर्स सीरियल धमाकों में ईरान के राजदूत समेत लगभग 3000 लोगों के घायल होने की है खबर। दर्जनों लोगों के मारे जाने की भी जताई जा रही आशंका। लेबनान में हुए पेजर्स ब्लास्ट की फिलहाल किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। हिजबुल्ला ने पेजर्स ब्लास्ट को इसराइल की साजिश दिया करार, बयान जारी कर ठहराया दोषी। घटना के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ा तनाव। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है इस्तेमाल। हिजबुल्ला के लड़ाके आपस से संवाद करने के लिए करते हैं पेजर्स का इस्तेमाल। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। We'll be right back.